हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उस्मान रिजवान ब्लॉग। और आज मैं इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, ब्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है। और इस ब्लॉग के अंदर मैं शेयर करूँगी आज पनीर और प्याज के बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म पराठे बनाने की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे पनीर ले लिया है, 250 ग्राम पनीर है ये। इसके अलावा मैंने एक प्याज रफली चॉप कर ली है और इसको मैं हैंड चॉपर जो होता है ना उससे बिल्कुल बारीक करके चॉप करूँगी। सबसे पहले मैं मसाले ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच भर के नमक ले लिया है और एक चम्मच नमक है। इसके अलावा मैं ले ली हूँ यहाँ पे एक चम्मच ज़ीरा, और एक चम्मच ज़ीरे के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। और इसके अलावा मैं ले रही हूँ यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, एक दो चम्मच कसूरी मेथी मैंने यहाँ ले ली है। थोड़ा उसको रब करके ले लिया है, इस तरीके से हाथ से थोड़ा मसल लिया है। कसूरी मेथी से भी पराठे के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, चाहे तो पनीर के अंदर डाल लें चाहे तो आटे के अंदर डाल लें, बस का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो चलिए, बस हमने कसूरी मेथी भी ले ली है और अब मैं इसके अंदर सारे मसाले मैंने ले लिए हैं, और थोड़ी सी मैंने आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर भी ले लिया है। हल्दी पाउडर तो ऑप्शनल है, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा कलर इसका अच्छा आ जाएगा हल्दी पाउडर से। और जो प्याज लिए मैंने रफली चॉप करके, उसको मैं हैंड चॉपर से बिल्कुल बारीक करके चॉप कर रही हूँ। तो अगर प्याज के पीस बड़े बड़े होंगे ना तो पराठे बनाने में बहुत दिक्कत आती है, वो टूट जाते हैं। तो बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे पराठे बनाते हुए टूट जाते हैं, पराठे नहीं ठीक से बनते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि अगर प्याज, हरी मिर्च और धनिया जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको हैंड चॉपर में डाल के बारीक कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर मैंने हैंड चॉपर के अंदर एक कटी हुई प्याज ले ली है जो मैंने रफली चॉप करा था, दो कटी हुई हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया है। तीनों चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक करके इसमें काट लिया है, इससे ताकि जो इसके टुकड़े ना वो बिल्कुल बड़े बड़े नहीं रहना चाहिए, और छुरी से काटो तो वो इतने बारीक नहीं हो पाते हैं। तो चलिए, यहाँ पनीर भी ले लिया है, थोड़ा सा इसमें पानी ऐसा था प्लेट में तो वो मैंने निचोड़ के हटा दिया है। और मैंने पनीर को बिल्कुल मैश करके सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, ये देखिए। और बस मैं आपको वो मैश करते हुए और मसाले मिक्स करते हुए नहीं दिखा पाई, क्योंकि इसके अंदर जो ना स्टोरेज वाली दिक्कत आ रही है, मेमोरी स्टोरेज वाली दिक्कत, तो बस मैंने आपको दिखा दिया। मैंने बाद में जब कैमरा चेक किया तो सब कुछ हो चुका था। तो बस यहाँ पे मैंने पनीर को मैश करके जो मसाले मैंने आपको दिखाए वो सब इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। उसके अलावा यहाँ आटा लगाया है। आटा लगाते हुए भी मैं बस वीडियोस की शूट कर रही थी, लेकिन मेमोरी की प्रॉब्लम बहुत हो रही थी मेरे फ़ोन में, जैसे कि गेम वगैरह डाउनलोड कर दी इन बच्चों ने, जिससे कि मेमोरी में दिक्कत आ जाती है। मतलब मेरा जो छोटा बेटा है ना वो बहुत सारे गेम डाउनलोड कर देता है मोबाइल में, तो मैंने अभी सब डिलीट करे हैं। और जब तक ये आटा गूंद गया था तो मैंने कहा चलो मैं इसके आगे से आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ आटा ले लिया है, लोई बनाई है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पनीर का मसाला जो बनाया है भर लिया है। पनीर का मसाला मैंने इसके अंदर करीब 2 चम्मच भरा है। अगर आप बड़े बड़े चम्मच से ले रहे हैं तो 1.5 चम्मच ले सकते हैं। और पराठे नॉर्मली थोड़े रोटी से बड़े होते हैं, तो बस यहाँ पे मैंने करीब 1.5 रोटी के आटे रोटी का आटा इतना लिया था पराठा बनाने के लिए, और 2 चम्मच भर के मैंने पूरा पनीर और उसका मसाला लिया इस तरीके से, ये देखिए। और इनको बिल आराम से बिल जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बस आटा आपका यहाँ पे सॉफ्ट होना चाहिए, ये मैं बता देती हूँ आपको। अगर आटा सॉफ्ट नहीं गूंदेंगे पराठे बनाने के लिए तो पराठे आपके डेफिनेटली फटेंगे। तो ये एक ट्रिक होती है कि आप किसी भी चीज़ के पराठे बनाएं, चाहे गोभी के हों, पनीर के हों, आलू के हों, लेकिन उसका आटा जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। तो बस यहाँ पे हम पराठों को सेक रहे हैं, मैं इसमें दोनों साइड से तेल लगा रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर आटे के अंदर तो मैंने थोड़ा सा घी ऐड करा था जब आटा गूंदा था ना, तो आटे में सिर्फ कुछ नहीं था, सिर्फ आटा मैंने पानी से गूंदा था, उसमें थोड़ा सा नमक डाला था 1 चम्मच करीब, और थोड़ा सा मैंने आटा जब गूंद लिया था उसके बाद उसको थोड़ा 1-2 चम्मच घी से चिकना कर दिया था। बस इस तरीके से मैंने आटा लगाया था इसका, तो बिल्कुल नॉर्मल आटा जैसे रोटी का लगाते हैं वैसे लगता है, बस इसको थोड़ा सा घी से चिकना कर लिया था। तो ऐसा इसका आटा लगाया था, मैंने कहा चलो मैं आपको बता देती हूँ कि आटे में कुछ भी अलग से मैंने नहीं यूज़ किया है, बस आटा थोड़ा सॉफ्ट रखा था पराठे के लिए। तो बस यहाँ पे हमारे पराठे सीख रहे हैं, और ये देखिए कितने गर्मा गर्म पराठे बनके तैयार है, बहुत फटाफट बन जाते हैं, बिल्कुल झंझट नहीं होता इसमें बनाने में। तो ये देखिए कितने आसान पराठे हैं बनाना, बहुत ही दिक्कत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और मेरे यहाँ तो समझो पराठे मैं आलू के बनाती हूँ, गोभी के बनाती हूँ, पनीर के बनाती हूँ, मुझे तीनों तरह के पराठे बहुत पसंद है। जैसे कि मौसम भी आजकल अच्छा हो रहा है, जैसे कि हल्की हल्की ठंडक है और हल्की हल्की गर्मी भी है, ऐसे मौसम में पराठे भी खाने में मज़ा है, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा शुरू नहीं हुई, ज़्यादा गर्मी में तो पराठे वगैरह नहीं खाए जाते, लेकिन अभी मौसम सही है
तो हमने कहा चलो गर्मी शुरू होने से पहले दो चार बार पराठे खा लेना चाहिए बना के। तो इसी तरीके से हमने पराठे बनाए हैं। दूसरा पराठा भी हमने इसी तरीके से बनाया था, लोई लेके उसमें थोड़ा सा उसको बड़ा करके उसमें मैंने पनीर मसाला भर के और उसको बंद करके बेल लिया है। इस तरीके से ये पराठा भी हमने बेल के डाल दिया है तवे पे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होती बनाने में। तो मैंने कहा चलो, मैं पराठे बनाई रही थी तो मैंने कहा चलो इसकी रेसिपी मैं इस ब्लॉग में शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ में। बहुत ही ईजी रेसिपी है और ये पराठे जो है ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो मैं बनाती रहती हूँ अपने घर में मेरे बच्चों को, हस्बैंड को, और अब इस टाइम तो मैके में हूँ तो यहाँ पे भी सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं पराठे मैंने कहा चलो यहाँ पे सबको बना के खिलाते हैं। तो बस ये है हमारे पराठे गर्मा गर्म। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा बन के तैयार हुआ है, इसको आप खा सकते हैं मूली। तो आज दिन जुमा है और टाइमिंग हो रही है, अभी बजा है दोपहर का 2 बजे। मैंने पराठे बनाए थे तो हम लोगों ने पराठे बना कर रेडी कर लिए हैं। मैंने सिर्फ 3 पराठे बनाए हैं क्योंकि ज़्यादा किसी को भूख थी। तो अभी 2 बजे का टाइम था दोपहर का, तो मैंने कहा चलो पराठे बना लेते हैं। मैंने सिर्फ 3 पराठे इसलिए बनाए, वो ज़्यादा किसी को भूख अभी थी नहीं। और शाम का टाइम हम पराठे जब पराठों का सामान जो बचा था ना वो मैंने रख दिया है। काफ़ी सामान बचा था, आटा भी बचा है इसका और पनीर मसाला भी बचा है, तो मैंने रख दिया है। और हम इसको अगर ज़रूरत होगी तो शाम में और बना लेंगे, शाम में यही सब चलेगा खाने में। तो मैंने दोपहर का टाइम थोड़ा कम बनाया है क्योंकि अभी ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी। तो यहाँ पे हम सब लोग पराठे खा रहे हैं सारे सिस्टर्स मिलके, और पराठे सबको बहुत पसंद आए मेरे हाथ के। तो ये देखिए पराठे हैं, साथ में मूली का अचार है। इसको आप किसी चीज़ के साथ भी सर्व करेंगे ना, मूली का अचार हो, हरी मिर्च का अचार हो, सबके साथ में बहुत बढ़िया लगता है, आम का अचार हो। तो आज तो सभी लोग यहाँ पे पराठे खा रहे हैं, दोपहर का टाइम है और सब सिस्टर्स मिलकर खाना पराठे खा रहे हैं। और पराठे सबको बहुत बढ़िया लगे थे, सबको बहुत पसंद आए थे। तो मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल मैं मायके में हूँ तो मैंने कहा चलो सबको पराठे वगैरह बना खिला देते हैं। और अचार वगैरह भी जो मूली का मैं डालती हूँ सबको बहुत पसंद आता है, मेरे पापा को स्पेशली बहुत पसंद आता है। तो मैं अब जो है अचार वगैरह मैंने इतना डाल दिया है कि मैं अब वो लोग आराम से काफ़ी दिन उनके लिए फुर्सत हो जाएगी अचार उचार की। तो मैंने डाल के रख दिया डिब्बों में अचार खूब सारा मूली का और हरी मिर्च का। इसकी रेसिपी मैंने ब्लॉग में भी शेयर की है, अगर आप लोगों ने मेरा पिछले ब्लॉग देखे हो तो उसमें रेसिपी इसकी शेयर की है मैंने। बहुत अच्छा अचार होता है ये और बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार होता है। तो मैंने बना के इन लोगों के लिए बहुत अचार डाल के रख दिया है, अचार भी बहुत टेस्टी है, साथ में पनीर के पराठे भी बहुत टेस्टी हैं। तो बस हम सब लोग पराठे खा रहे हैं पनीर के, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो बस हमने कहा चलो मैं पराठे बना रही थी, मैंने कहा रेसिपी इसकी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, अच्छी रेसिपी है। और बाकी मैंने गोभी के पराठे की रेसिपी भी शेयर की है ब्लॉग में, आलू के पराठे की रेसिपी भी शेयर की है। और इस तरीके से मैंने कहा चलो पनीर की रेसिपी भी मैं शेयर कर देती हूँ पराठे की। तो बस बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ही इजी है। बस तरीका ये आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप इसका आटा लगाएं थोड़ा सॉफ्ट लगाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उस्मान जान ब्लॉग। और आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से पनीर के और प्याज के पराठे जो कि खाने में बहुत डिलीशियस हैं। जैसे कि मैं मुझे आलू के पराठे भी बहुत पसंद है, पनीर के पराठे पसंद है और मुझे गोभी के पराठे भी बहुत पसंद है। तो वो मैंने ऑलरेडी ब्लॉग के चैनल पर अपलोड कर रखी है वीडियो गोभी के पराठे की और आलू के पराठे की, और आज मैंने बनाए हैं पनीर के पराठे। मैं चलो आज मैं वैसे बनाए, मैं चलो रेसिपी शेयर कर लेती हूँ आप लोगों को। तो बस यहाँ पे पराठे वराठे खाने के बाद अब हम जा रहे हैं मार्केट, मैं और सामिया, क्योंकि थोड़ा सा काम है मार्केट में। मार्केट में काम ये है कि मुझे मम्मी ने जो दी है सिल्क की साड़ी दी है, तो वो कह रही थी उसको बनवा लो, मतलब उसमें ब्लाउज़ वगैरह पेटीकोट और फॉल वगैरह लगवानी है। तो वो सब काम के लिए मैं यहाँ शॉप पर आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने साड़ी दी इनको आंटी को, और इनसे मैंने कहा कि इस पे फॉल लगा दीजिए और ब्लाउज़ वगैरह बनवाना है। तो इन्होंने ब्लाउज़ का कपड़ा तो साड़ी के अंदर ही है, और उन्होंने ये कहा है कि पेटीकोट का कपड़ा लेके आओ, उनके पास नहीं अच्छा वाला कपड़ा पेटीकोट का। तो हमने ये साड़ी इनको दे के हम गए हैं पेटीकोट का कपड़ा लेने के लिए बराबर की शॉप से, इनकी शॉप के बराबर में एक शॉप है। तो यहाँ से हमने पेटीकोट का कपड़ा लिया है करीब 2.5 मीटर, उन्होंने हमको बताया था कि 2.5 मीटर कपड़ा लाना है पेटीकोट के लिए। तो बस हम यहाँ से कपड़ा लेके हम दोबारा उनकी शॉप पे हमने वो कपड़ा दे दिया है। साड़ी बना के और पेटीकोट वगैरह सिल के और ब्लाउज़ वगैरह सिल के वो देंगी हमें 4-5 दिन के बाद, यानी कि वो 20-21 तारीख को हमें दे देंगी। तो हमने इनको दे दिया है साड़ी बनने के लिए और ब्लाउज़ वगैरह बनने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं रेस्टोरेंट में, तो हमने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। मार्केट में रेस्टोरेंट है थोड़ा सा इधर ही, मतलब हमारे घर की तरफ ही पड़ जाता है आते टाइम, जैसे हम मार्केट से आते हैं तो रास्ते में पड़ता है ये। तो यहाँ पे हम गए हैं तो हम यहाँ पे खा रहे हैं एक एक समोसा, क्योंकि हम लोगों ने पराठे वगैरह दोपहर में खाए थे पनीर के, तो ज़्यादा खाने का मन तो नहीं है। तो हमने कहा चलो
एक एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और एक एक समोसा खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एक कैन, तो हमारा काम जो होना था साड़ी वाला वो तो हो गया। उन्होंने कह दिया है कि 3-4 दिन के बाद साड़ी दे देंगी बना के। तो थोड़ा धीरे धीरे मेरी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं क्योंकि मुझे अब जाना है अपनी ससुराल थोड़े दिन के बाद ही। तो बस इसलिए मैंने कहा तैयारी शुरू कर दी। मम्मी बोली तुमने तैयारी शुरू कर दो, अपने कपड़े वगैरह जो तुमने मतलब लेने हैं वो सिलवा लो लेके। मतलब मम्मी सब कपड़े वगैरह दिलवा रही हैं मुझे और बच्चों वगैरह को, तो इसलिए मैंने कहा चलो जो कपड़े जो सिलने हैं वो सिलवा लेंगे, जो खाली कपड़ा रखना है वो हम रख लेंगे, वो हम बाद में जब हमें यूज़ करना होगा जो पहनना होगा तो सिलवा लेंगे। तो फिलहाल मैंने साड़ी बनवा ली है और एक सूट में बनवाने की और सोच रही हूँ। तो एक सूट और बनवा लूँगी मैं, सिलवा लूँगी लेके, और बाकी अगर कुछ मम्मी ने दिया तो वो कपड़ा मैं ले लूँगी, उसको मैं बाद में सिलवाऊँगी जब मुझे पहनना होगा। तो यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे आ गए हैं और हमने एक एक कैन भी मंगा लिए, ऑर्डर कर दिए। तो बस हम यहाँ पे खा रहे हैं गर्मा गर्म समोसे सॉस के साथ में, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम वो सामने बैठे यहाँ पे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे हम। जंक फूड कौन सा फेवरेट है? जंक फूड कौन सा फेवरेट है मेरा? है मोमोज, मुझे बहुत पसंद है, समोसे बहुत पसंद है, छोले भटूरे बहुत पसंद है। तेरा कुछ पसंद नहीं है? छोले भटूरे तो बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ भी तेरा एक पसंद नहीं है? नहीं तो अब ऐसा नहीं कि एक चीज़ को किसी एक, ऐसा नहीं होता कि इंसान की एक ही चीज़ पसंद हो, कुछ चीज़ें होती हैं ऑप्शन में। जिसकी सब चीज़ें पसंद होती है उसको कोई चीज़ पसंद नहीं होती। दवा दारू पहले, दवा खा ली, दारू पी ली। मैं खोलूँ? तो बस यहाँ पे हम लोगों ने समोसा खा लिया है एक एक, और हम लोगों ने कैन मंगाई है तो लिम्का है ये, और हम दोनों ने एक एक कैन मंगा लिया। तो यहाँ पे हम लोग कैन कोल्ड ड्रिंक पी के और बस अब रवाना हो जाएंगे घर की तरफ। तो हमारा जो काम था वो हो गया है, बाकी अगर कपड़े वगैरह हमें सिलवाने होंगे तो वो हम सिलने और डाल देंगे। लेकिन हमें सूट, अगर मैंने अभी सूट फिलहाल नहीं लिए हैं, सूट लेने के बाद ही मैं सिलवाने के लिए डालूंगी। तो साड़ी मैंने डाल दी, साड़ी मम्मी ने मुझे दे दी थी पहले ही, तो मैंने वो डाल दी सिलने के लिए। तो चलिए हम ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं। मैं घर पे आ गई हूँ और इब्राहिम यहाँ पे सो रहा है, इब्राहिम की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको चैनल वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दूसरे व्लॉग।